अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट। इकोनॉमी में इस बार देर वेर सम 14 क्वेश्चंस, ज्यादातर थियरी के प्रश्न थे। उसमें भी इंटरनल सब हम डिवाइड करें, उसे बैंकिंग फाइनेंस में से ज्यादा प्रश्न आते हैं, बाकी सब के अंदर मिक्स बैग था। ओवरऑल कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट थोड़ा इजी टू मीडियम ही पेपर था। तो ये बात हुई प्रीलिम्स की। मेंस के अंदर हम बात करें, मेंस पेपर 3 ब्लॉक 1 इकोनॉमी, इश्यूज रिलेटेड टू ग्रोथ, फिर बजटिंग का मुद्दा, लिबरलाइजेशन की इम्पैक्ट, फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। सो मैम, ये तो एक बात हुई, और बाद में आगे एग्रीकल्चर MSP, दैट इज सेपरेट सेगमेंट। सो हाउ यू प्रिपेयर दिस इकोनॉमी? मैंने इकोनॉमिक्स के लिए कहा कि मेरे दो रिसोर्सेस रहे हैं, एक तो क्लास 11th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक, वो आपको वोकैबुलरी सिखाती है, एक पूरा टाइमलाइन बता देती है इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ऐसे के लिए बहुत काम की किताब है। और इसके अलावा मैंने जो कोर्स किया था, मैं बता चुकी हूँ विविन 21 वाला पूरा वो सीरीज और पूरे अपडेट्स जो रहते थे वो मैंने फॉलो किया। इसके ये मेरे लिए प्रिलिम्स के लिए सफिशियंट था, इतना सफाइस कर गया था। और जब एग्जाम्स थोड़े से पोस्टपोन हुए थे क्योंकि वो कोविड वाला टाइम था, तब जो बचा हुआ पोर्शन था उसके लिए मैं गई मंथली करंट अफेयर्स की, मैंने उठाई 2-3 महीने की मैगजीन, उसमें से सिर्फ मैंने इकोनॉमी इकोनॉमी का पोर्शन कंप्लीट कर लिया ताकि वो थोड़ा सा अपडेट रहे, क्योंकि एग्जाम डिले हो गए थे और मुझे ऐसा लगा कि कहीं वो करंट अफेयर्स छूट ना जाए। तो एक तो ये वाला पोर्शन था। इसके अलावा मैंने ये जो रिसोर्सेस हैं इसके मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए अलग से, जो हैंडआउट थे उसको तो मैं एज इट इज फोल्डर में लगा करके उसी में अंडरलाइन हाईलाइट वो सब करती रहती थी। मैंने उनके भी जो प्रिंट आउट लिए थे वो एक साइड ब्लैंक और एक साइड प्रिंटेड लिए थे ताकि मैं अपनी चीजें उसमें ऐड करती रहूं और वो एक कंसोलिडेटेड मेरे नोट्स बन जाएं। जो NCERT 11th क्लास की है उसको मैं टॉपिक देखती थी कि वो कोर्स में कौन से टॉपिक से रिलेट होता है। तो जब मुझे ऐसा लगा कि अगर कोर्स में पॉवर्टी चल रहा है और NCERT 11th में कुछ पॉवर्टी पे दिया हुआ है तो बिल्कुल उसमें से की पॉइंट्स निकालने हैं, जो उसकी लैंग्वेज है कीवर्ड्स, वो निकाल के मैं वो ब्लैंक पेज पे लिख लेती थी। तो फिर मुझे आइडिया ये होता था कि एक जगह सारी चीजें इकट्ठी हैं। थोड़ा सा आपको इसमें प्री और मेंस का समझना पड़ेगा, तो मैंने उसके लिए दो अलग अलग कलर के हाइलाइटर्स यूज किए थे। मैंने ग्रीन कलर यूज किया था प्रिलिम्स के लिए, जो प्रिलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो उसको ग्रीन से हाईलाइट करके रखा था। मेंस के लिए मैंने सिर्फ अंडरलाइन करके छोड़ दिया था प्रिलिम्स वाली स्टेज पे। जब मेंस आया तो मेंस के लिए मेरे को 2-3 चीजें इसमें ऐड करनी पड़ी। जैसे मैंने RSTV की समरी की जो मैंने बताई प्लेलिस्ट IR के लिए, सिमिलरली अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है इकोनॉमिक्स में जो बार बार न्यूज में रहता है, जैसे GST कॉम्पनसेशन पिछले बार बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, उसको जाके मैं सिर्फ वहां से देख लेती थी और पढ़ लेती थी। इनफैक्ट समरी पढ़ के पॉइंट्स निकाल के वो लिख लेती थी। वो मेंस में आपकी थोड़ी सी एनरिचमेंट करेगा आपके आंसर्स में। इसके अलावा मैंने इकोनॉमिक्स का जब इंटरव्यू होने वाला था तो जो लेटेस्ट बजट था उसकी PIB पे समरी आती है, इकोनॉमिक सर्वे की समरी आती है PIB पे, और बजट की वेबसाइट पे आती है बजट एट अ ग्लैंस करके या बजट हाइलाइट्स ऐसा कुछ करके, लगभग 10-15 पेज दोनों के, तो टोटल 25-30 पेज हुए थे। वो मैंने पढ़े थे क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स आई नहीं थी और मुझे ऐसा लगा कि इंटरव्यू में वो बीच बीच में से भी पूछ लेते हैं, तो वो दो चीजें मैंने इंटरव्यू स्टेज में एड ऑन की थी। इतनी सारी चीजों से आपका काम हो जाएगा, जो हैंडआउट्स हैं उसमें से मेंस का पोर्शन आपको अलग से समझ में आ जाएगा। कहीं वो इकोनॉमिक सर्वे की ऑब्जर्वेशन देने लगते हैं, बजट में बता देते हैं कि ऐसा ऐसा किसी टॉपिक में है। जब मेंस होने थे तो प्री और मेंस के बीच में जब मैंने दोबारा ये हैंडआउट्स रिवाइज किए तो अपना खुद का मैंने जो एक रजिस्टर लिया था मैं उसमें कीवर्ड लिखती जाती थी। कई सारे पोर्शन ऐसे हैं जो प्रीलिम्स के लिए ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली शेयर मार्केट वाला पोर्शन हो गया या वो सब चीजें, तो उनको तो बस पढ़ के छोड़ दिया। मगर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में लिस्ट बना ली स्कीम्स की एक जगह, वो स्कीम को एक्सप्लेन करें वो अलग बात है, लेकिन ताकि मैं एक जगह से रिवाइज कर सकूं। कैशलेस इकोनॉमी है तो उसमें इकोनॉमिक सर्वे के जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो मैंने एक जगह थोड़ा शॉर्ट में लिख लिए ताकि कोट करने में आसानी हो कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे दिस। और चूंकि हैंडआउट शुरू से पढ़ा हुआ था तो मुझे बहुत डिफिकल्टी नहीं हुई ये काम करने में। पढ़ती थी, मेंस का मटेरियल सेग्रीगेट करती थी और बहुत शॉर्ट में कीवर्ड्स लिख लेती थी। तो इतना करने से मेरे हिसाब से तो काम बन जाना चाहिए। जी जी जी, इकोनॉमी के अंदर मैम ने जो बताया क्लास 11 NCERT वो बहुत ही उपयोगी है अपनी वोकैबुलरी और निबंध के लिए।
और उसके अलावा आप खुद के मुंह से मेरा कोर्स देखो, खैर अब मार्केटिंग के लिए मुझे बोलना है तो माय इकोनॉमी कोर्स, उसकी पावर पॉइंट हैंडआउट्स वगैरह जो होती है यू कैन यूज दैट फॉर प्रिपरेशन, उसकी वीकली क्विज भी होती है, और फ्रॉम टुमारो 28th थर्सडे से क्लासेस शुरू हो रहे हैं, गुरु शुक्र शनि रवि सोम, रात को 9 बजे क्लासेस होती हैं, सो दैट ऑल पीपल वर्किंग प्रोफेशनल होम मेकर एवरी वन कैन अटेम्प्ट। बाकी आप अगर मिस कर जाएं तो रिकॉर्डेड सेशंस भी उसके देख सकते हैं, अलग से जो मैम बता रही हैं उस प्रकार से पूरा हैंडआउट बनाए। आपने 2019 में ज्वाइन किया था मैम, तब वो उससे पहले भी मैं 10 साल से पढ़ाता ही था, लेकिन वो हैंडआउट के स्वरूप में नहीं था, सो द हैंडआउट दैट यू हैव योर बैच हैज द हैंडआउट, वो प्रिस्टाइन या प्राइम या फर्स्ट कॉपी जो होती है मिंट एडिशन वो है, उसके बाद तो अपडेट होते होते अब तो बहुत कुछ उसमें आ गया है कि हिंदी मैंने बहुत कुछ ऐड किया है, अलग अलग जगह पर बहुत सारे फोटो डाले, फिर ये सब इमोजी आइकॉन्स वो सब चीज़ें। मित्रों ये जो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन है वो ऐसी चीज़ है जैसे डिज्नी हॉटस्टार अमेजॉन प्राइम, यू टेक वन सब्सक्रिप्शन एंड इट विल अनलॉक द कोर्सेज फॉर ऑल द टीचर्स ऑल द सब्जेक्ट्स।